जय माता दी। सभी माता रानी भक्तों को जय माता दी। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अभी माता काली बंदी का दरबार बनाए हैं और अभी भजन उजन चला था और माता का भी पूरा गह्वर स्थापित हो गया अभी। और कैसा गह्वर है जो भी है आप लोगों को दिखाते हैं, पूजा उजा ढालेंगे। प्लस ये कौन सा गांव, कौन सा गांव है? सुगामा सुगामा, सुगाना 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 जिला कौन सा है? मधुबनी। मधुबनी जिला में सुगाना गांव जो है उनमें हमने अभी थाना रेखा थाना रेखा माता को स्थापना करी हैं। और इनके द्वार पे तो इनसे आपको बात करवाते हैं और पूछिए कि इनने कब माता के दरबार पे गए थे और क्या लाभ इनको परिवर्तन हुआ है। जो अपना मुख से बोलेंगे ये कोई सिखाने वाली नहीं है कि इनके द्वार पे नहीं हमको जानता था नहीं हम जानते थे फिर भी। अच्छा, दर्शन हमारे साथ में कब हुए थे माता का? दुर्गा पूजा में नवमी के दिन दर्शन हुआ थे। माता का उससे पहले आपको हम कहाँ मिले थे? आप हमको मिले थे बसैठा चंदपुरा धनखी गांव में कमला पूजा में 2022 में। तो आपको क्या विश्वास कैसे बन गया आपको? विश्वास आपका पूजा वहाँ देखे, आप भजन गा रहे थे ये और पता लगा, वहाँ लगाए हम तो बोले जो कि बाबा के यहाँ आइए दरबार पर, आपका कल्याण होगा। तो हम गए बाबा से जानकारी लिए, कनिया का दिक्कत तकलीफ थी, अच्छा, क्या बाबा तकलीफ था उनको? उनको पूरा शरीर में दर्द था जी। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या बताया? बाबा ने जांच की है और बोले जो कि दवा बंद कर दो और 1.25 महीना जो है ब्रह्म बाबा का, पहले 7 दिन बोले जो कि लगातार ब्रह्म बाबा को पूजा कीजिए, उसके बाद हफ्ता में 2 दिन सोमवार और बुधवार उनके पूजा करने से आज 2 महीना के बाद जो है माता जी का स्थापित किए गुरु जी हमारे। तो दवाई बंद कराने पे जो है जब से आपको बंद करवाया दवाई और जो भी आपको नियम निष्ठा बताया है पूजा आराधना करने के लिए, उसका पूजा करने से तो फायदा हुआ ना जी जी गुरु जी फायदा हुआ है कि झूठ? नहीं सच बात है। तो आज जो आप अभी माता का जो स्थापित करवा रहे हैं तो आपने कितने दिन के बाद करवा रहे ठीक होने के बाद? 2 महीना+ हो गया गुरु जी। आप खुश हैं ना? जी। तो सभी लोग बता रहे हैं, देखिए जो भी है ना यहाँ पे उनसे बताए हैं। और उसके बाद में भी माता रानी का जो गह्वर हमने स्थापित किया अभी माता का पूजा ढाड़ेंगे तो वो भी दिखाएंगे। और सभी लोगों को मैं बता दूँ कि अगर विश्वास और श्रद्धा है तो आपका सब काम मंगल होगा, जिसको विश्वास और श्रद्धा नहीं होगा तो नहीं होगा। क्यों सभी ना? सही बात जी गुरु जी। जी तो सभी लोग जय माता दी बोले एक बार। जय माता दी। बोले जय माता दी। जय माता दी। तो सभी लोग समझते हैं कि विश्वास श्रद्धा था और द्वार पे गए थे माता भवानी का। और वहाँ पे जाने के बाद मना कर दिया गया कि दवाई मत खाइए, जाइए आपको ठीक हो जाएगा। और ठीक हुए तो देखिए माता का गहवर का स्थापना किया गया है। और आप लोगों में बता दूँ कि मैं पूजा ढारता हूँ, उसके बाद में आपको आगे का वीडियो देता हूँ, ठीक है? जय माता दी। तो जय माता दी दोस्तों, अब देखिए सभी लोग भक्त लोग कि अब कैसे माँ भगवती काली बंदी बिशाड़ा हनुमान जी जो इस पर विराजमान है, अब कैसे आपको लग रहा है? अद्भुत। और जैसे भी इन्हें कहा और इनको खुश कर दिए हमने बढ़िया से, माता को श्रद्धा और विश्वास के अनुसार बैठा दिए माता को। और बहुत जल्द माता के यहाँ पे पूजा भी आगमन किया जाएगा इनके घर पे, क्योंकि माता की महिमा अपरंपार है और माता ने इनको घर को अच्छा किया है। तो हमने भी बहुत अच्छा से माता को पूजा अर्चना करवा दी हमने, देख रहे हैं। और गुड़िया महाराज भी है गेट पे, उनका भी दर्शन करवा देते हैं। और ये गुड़िल महाराज का है और देखिए गुड़िया बाबा की कितनी अद्भुत से पूजा अर्चना कर दिए हमने। चलो जैसे भी है, माता रानी जय जानंदी करे, सबका मंगल करे। और आप लोग भी सही भगत सही गुरु को संग चले और अपने घर को मंगल और अच्छा शुभ कर बनाए कि जी गुरु जी, है ना? जी जी जी। और चोर बंगोर के पीछे पड़ेंगे तो क्या होगा? बर्बादी, बर्बादी, काम सही नहीं होगा। हाँ, इसीलिए आप सभी लोगों को जय माता दी। जय।